हेलो दोस्तों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। और आज का जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं डेली शाम को 7 बजे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक लिया गया है कूलाम नियम से गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। यहाँ पर जो दो टॉपिक हैं ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। कूलाम नियम और इसके अलावा गॉस प्रमेय, आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है कूलाम नियम से गॉस प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे, यानी कि कूलाम नियम के द्वारा जो है गॉस प्रमेय को यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए निर्वात में कहीं पर एक धनावेशित कण लिया गया है Q। ध्यान दीजिए, निर्वात में बिंदु O पर जो है एक धनावेशित कण लिया गया है Q। तो यहाँ पर जो ये आवेश लिया गया है, इस आवेश को जो है हम लोग केंद्र मानकर एक गौसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ध्यान दीजिए, गौसियन पृष्ठ का मतलब बताया गया आपको एक बंद पृष्ठ। तो यहाँ पर ये जो धनावेशित कण लिया गया था बिंदु O पर, इससे हम लोग यहाँ पर केंद्र मानकर एक गौसियन पृष्ठ, गौसियन पृष्ठ का मतलब एक बंद पृष्ठ की जो है परिकल्पना करेंगे। और ये जो बंद पृष्ठ की परिकल्पना की गई है, इस पृष्ठ की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर R है। इस पृष्ठ की यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी R। और इस पृष्ठ पर यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक बिंदु लिया गया है P, और इस बिंदु P पर हम लोग एक अल्पांश लेंगे। ध्यान दीजिए, अल्पांश का मतलब आपको बताया गया है, यहाँ पर ये पूरा पृष्ठ यानी कि पूरा क्षेत्रफल दिया गया है, उस पूरे पृष्ठ का एक हम लोगों ने छोटा सा भाग लिया है, इसलिए इसे बोलते हैं अल्पांश, यानी कि इस पूरे पृष्ठ का एक अल्प भाग लिया गया है। तो यहाँ पर ये अल्पांश क्षेत्र ले लिया गया है। यहाँ पर जो अल्पांश क्षेत्र का वेक्टर होगा, यानी कि डी ए, इसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशाएँ समान होंगी। याद रखिएगा, बिंदु पी पर जो है वेक्टर डी ए, यानी कि जो सदिश डी ए है उसकी, और इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों की दिशा जो होगी वो समान होगी। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको। और ये दिशाएं दोनों की समान क्यों हैं, इस त्रिज्या के कारण, यानी कि त्रिज्यता जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अल्पांश क्षेत्र वेक्टर जो है डी ए और ई, इन दोनों की दिशाएँ जो होंगी समान होंगी। और आप यहाँ पर इस फिगर की सहायता से इसमें लिख सकते हैं कि माना क्यू परिमाण का धनावेश वायु या निर्वात में किसी बिंदु O पर रखा गया है, इस आवेश को केंद्र मानकर एक गौसीय पृष्ठ की परिकल्पना की गई है, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्लस Q आवेश के कारण सबसे पहले बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू होता है Q बाई आर स्क्वायर। इतना मान लेंगे, इसको आपको मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इस अल्पांश के कारण जो है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है वो dA है। तो इस dA से जो है बद्ध, यहाँ पर हम लोग बद्ध फ्लक्स ज्ञात करेंगे। बद्ध का मतलब संबंधित, यानी कि यहाँ पर बता सकते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला जो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा ये भी हम लोग अल्प वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो अल्प वैद्युत फ्लक्स, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि अल्पांश क्षेत्रफल dA से बद्ध अल्प वैद्युत फ्लक्स। तो अल्प वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे d phi E बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे सदिश E डॉट सदिश dA, इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो वैद्युत क्षेत्र और dA, इन दोनों की दिशाएं सेम हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका ये dA है ये समांतर है E के, और जब दोनों समांतर हैं यानी कि इन दोनों के बीच का कोण होगा 0 डिग्री। ये याद रखना है, यहाँ पर
बी ए और ई इन दोनों की दिशाएं सेम हैं और ये दोनों समांतर हैं, इसलिए इनके बीच का कोण 0 डिग्री प्रयोग किया जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है, अगर कोई दो चीज़ें समांतर हैं लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत हैं तो वहां पर कोण प्रयोग करते हैं 180 डिग्री, लेकिन यहां पर दोनों समांतर हैं और दोनों की दिशाएं भी समान हैं इसलिए यहां पर कोण प्रयोग किया जाएगा 0 डिग्री। तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर, इससे आप लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, थीटा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। तो इससे आप लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। कॉस 0 का मान होता है 1, ये आपको याद रखना है कि कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो इसकी जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अल्पांश डी ए से बद्ध जो है अल्प वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया, यानी कि इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण जो है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग इस संपूर्ण गौसीय पृष्ठ के कारण जो है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा, अब संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, और कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो अल्प वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं उसका पृष्ठ समाकलन ज्ञात करेंगे, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। तो पृष्ठ समाकलन करने पर यहाँ पर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी अल्प वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया था यानी कि डी फाई ई, इसका यहाँ पर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। सरफेस इंटीग्रेशन यानी कि पृष्ठ समाकलन। तो अल्प जो यहाँ पर ज्ञात किया गया था वैद्युत फ्लक्स, अल्प वैद्युत फ्लक्स का जब पृष्ठ समाकलन करेंगे तो इससे हम लोगों को जो है संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो प्राप्त होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पर लिखा गया है सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई, इसका मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो इसका मान दिया गया ई डी ए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई डी ए, इस प्रकार से ये इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई जो दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका समाकलन नहीं होगा तो इससे आप समाकलन के बाहर लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई, इसके बाद हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, ये इतना आएगा। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ये गौसीय पृष्ठ था ये वृत्ताकार दिया गया है, यानी कि पूरा जो है वृत्त के रूप में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरफेस इंटीग्रेशन डी ए बराबर होगा 4πr². तो याद रखिएगा, इसमें जो सरफेस इंटीग्रेशन डी ए दिया गया है यानी कि ये मान, इसकी जगह पे आपको रखना है 4πr². तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे तो अब ध्यान दीजिए ये आएगा यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा इसमें ई इंटू, इसकी जगह पे आपको ये मान रखना है यानी कि 4πr², तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो आपको ई दिया गया है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 से रखेंगे, तो ये आएगा यहाँ पर फाई ई बराबर, ई का मान हो जाएगा ध्यान दीजिए 1/4πε0 इंटू q/r², और इंटू में हो जाएगा 4πr², इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बचेगा फाई ई बराबर क्यू, और यहाँ पर बटे में आ जाएगा ε0। तो यहाँ पर ये आ गया है फाई ई बराबर क्यू बटे ε0, जो कि गॉस की प्रमेय है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर कूलम्ब नियम के द्वारा जो है गॉस प्रमेय का सत्यापन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।